हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास सेवेंथ का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की कर चुके हैं। तो देखिए, अभी तक जो हम मेन और बेसिक चीज की हैं वो हमने सीखा है मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, और एक टॉपिक क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये दो बेसिक टॉपिक्स, बेसिक चीजें हमने कवर की हैं बच्चों। अब जो हम करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों, उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस को आप जो टॉपिक अभी हम सीखेंगे उसकी मदद से कर पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको मान बताने हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो आपको ये त्रिभुज दिख रहे हैं, ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इसमें एक्सटीरियर एंगल यानी x आपके सामने लिखा हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि भाई 50 और 70 इंटीरियर एंगल्स हैं और एक्सटीरियर एंगल है x, है ना। एक्सटीरियर मतलब क्या हुआ बच्चों, जो बाहर की तरफ कोण बनता है, त्रिभुज के अंदर नहीं, त्रिभुज के बाहर एक कोण बनेगा उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। देखिए, सभी में आपसे एक्सटीरियर एंगल के बारे में पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे हम एक्सटीरियर एंगल, इसकी प्रॉपर्टीज हमें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के बाहर कोण की जो भी गुणधर्म होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अगर आपको आ जाएंगे तो ये इजीली निकाल सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो बच्चों आपको पता है त्रिभुज की, ट्रायंगल की क्या होता है, जो सम होता है, सम ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कितना होता है, कौन बच्चा बताएगा कि एक त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है। जिस किसी बच्चे को पता हो आंसर बताइए, हैंड रेज कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर ये पता है कि भाई एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, दैट मीन्स अगर ये त्रिभुज है तो इसके तीन कोण ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन तीनों कोणों को अगर हम ऐड करें तो क्या सम होगा, एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री। किसको पता है स्टूडेंट्स, जिस किसी भी बच्चे को पता है अपना हैंड रेज कीजिए और आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कि एक त्रिभुज के तीन कोणों का सम, तीन एंगल्स का सम कितना होता है। जी आई सी कोटकंडारा, कोई बच्चा है जो बताना चाहता है, या फिर जीआईसी दरमिया, सोच लीजिए जल्दी से, मुझे आंसर दीजिए इसका। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, इट्स ऑल राइट, इट्स टोटली ऑल राइट। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक चैट का ऑप्शन है, आप चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको भी पता होगा कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण इन, इसके गुण,
तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की? तो इसके लिए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं हम, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस ट्रायंगल में मैं एंगल्स का नाम देता हूं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री। ये जो एंगल वन टू और थ्री ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। इनको हम अंतर कोण बोलते हैं, अंतर कोण यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज के इंटीरियर एंगल्स हो गए कौन से, एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री। और जो एंगल फोर हो गया, ठीक है, एंगल फोर हो गया वो है बच्चों एक्सटीरियर एंगल। क्या है वो? एक्सटीरियर एंगल है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, इसकी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए भाई। इसके आगे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहां से ऐसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। मतलब अगर आप इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी, तो सी बी को आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्लियर है। अब देखिए कि एक एंगल बनेगा हमारे पास ये, ठीक है, ए बी डी बोल दीजिए या फिर एंगल फोर बोल दीजिए, है ना, एंगल ए बी डी, ए बी डी या फिर एंगल चार हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि भाई एंगल फोर किसके बराबर होगा, एंगल चार जो है देखिए वो इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं उसके सम के बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू के बराबर होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है। इसकी डेफिनेशन भी हम करेंगे, बट पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया, इसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होने वाली है। अब बच्चों हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए क्या होगी किसी त्रिभुज, किसी त्रिभुज का बाह्य कौन अपने दोनों सम्मुख के योग के योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो भाई किसी भी त्रिभुज का जो बाहर का कोण है एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा स्टूडेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देखिए। ये एक एंगल है, ये हो गया 50 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं तो एक्स बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? तो आप क्या करेंगे, आप ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और आपको पता है एक्स किसके बराबर होगा, इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, मतलब 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आ जाएगा एक्स, 50 प्लस 60 110 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा एक्स होगा वो 110 डिग्री के बराबर होगा। तो यही चीज आपसे पूछी जाएगी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके लिए एग्जाम्पल हो गया। अब क्वेश्चंस भी इसी तरह से करने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब सीधे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ये देखिए वही क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब इजीली इनको आप कर सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको सम्मुख अंतः कोणों का वो बता दिया कितने डिग्री के कोण हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कितना है, एक्स किसके बराबर होगा भाई, सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होगा। तो एक है 50 डिग्री, दूसरा है 70 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स, इजीली आ जाता है आंसर इसमें, ये 120 डिग्री हो जाता है। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखनी है हर बारी लाइन, सम्मुख अंतर कोणों का योग बराबर है बाह्य कोण। ये लिख के उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है, हर पार्ट में आप ये लिखेंगे ताकि रीजन आपका पता लग जाए। भाई प्रॉपर्टी भी तो आप बताएंगे कि कौन सी यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इनको सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सब के सब एक जैसे हैं, फटाफट आपके सॉल्व हो जाएंगे, जल्दी से 2 मिनट में इनको हल कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स क्या क्या आंसर आएंगे आपके, देखिए जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, यही रीजन लिखेंगे, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर है बाह्य कोण। तो ये एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 45 प्लस 65, 5 और 5 10 एक हासिल, 6 4 10 और 11 110 डिग्री। थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, क्योंकि इनके देखिए x वाले एंगल के अपोजिट है, सम्मुख कोण है ये। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा बच्चों 70 डिग्री, 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 प्लस 60 या आ जाएगी 120 डिग्री, तो ये x 120 डिग्री होगा। यहाँ पे 50 प्लस 50 100 डिग्री होना चाहिए x, और यहाँ पे 30 प्लस 60 90 डिग्री होना चाहिए x। तो इस तरह से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं बच्चों, ये कितना आया था 110 डिग्री आया था, और ये कितना आया था 70 डिग्री आया था। तो इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन वैसा ही है, प्रॉपर्टी वही लगेगी, थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है वो आप देखिए। इसमें क्या फर्क है कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमको यहाँ पे एक्स गिवन था और अंदर वाले एंगल्स को हम ऐड करके बाहर वाला एंगल निकाल दे रहे थे, लेकिन अब क्या डिफरेंस आ गया? अब आ गया कि भाई यहाँ पे एक्स है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखिए प्रॉपर्टी तो वही लगाएंगे। सम्मुख अंतर कोणों का योग तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये सम्मुख अंतर कोण हो गए x प्लस 50, और ये किसके बराबर होंगे? 115 डिग्री के बराबर हो गए, है ना। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, 50 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और ये हो जाएगा -50 डिग्री। 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आ जाता है, ये आप आंसर लिख देंगे। तो बताइए 115 माइनस 50 अगर हम करेंगे तो 5 एज इट इज, और 11 माइनस 5 6 आ गया, तो 65 आ गया, है ना। कितना डिग्री हो गया? 65 डिग्री हो गया एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 65 डिग्री, है ना। वेरीफाई भी कर सकते हैं, 65 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना आना चाहिए? 115 डिग्री आना चाहिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी आप कर देंगे स्टूडेंट्स, है ना। अगले क्वेश्चन में क्या करना है भाई? यही प्रॉपर्टी यूज होगी, है ना, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप। तो दूसरा पार्ट जो है इसमें x प्लस 70 डिग्री किसके बराबर होगा? 100 डिग्री के बराबर होगा। भाई एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 100 दे रखा है और इंटीरियर x और 70 है, यहाँ पे x कितना होना चाहिए? 100 माइनस 70 कर देंगे, 70 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, आपने सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण सॉल्व करने सीखे थे, दोनों पक्षों में से आप 70 70 घटा देंगे तो बात एक ही होगी, x कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कितना? 30 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन देखिए आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हल होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को, और बच्चों इनको ध्यान पूर्वक घर पे जाके पहले रिवाइज करें जो हमने आज प्रॉपर्टी सीखी हैं, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे इजी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।